सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अभी हम बात करने वाले हैं कि वाईटी स्टूडियो कैसे क्रोम में ओपन करें, क्योंकि हम जब भी क्रोम में ओपन करते हैं तो वाईटी स्टूडियो का जो ऐप होता है वो ओपन हो जाता है, हम क्रोम ब्राउजर से ओपन कर ही नहीं पाते। तो मैं आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्रोम में वाईटी स्टूडियो ओपन कर सकते हो और आप कैसे सेटिंग कर सकते हो भाई, पूरी सेटिंग और आप कैसे ओपन करोगे सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साइड बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आप साइड पर देख ही सकते हो। मैं सबसे पहले अपना वाईटी स्टूडियो ओपन करता हूँ, आप भी ओपन करना। और सबसे पहले आपको मेरा चैनल दिखाता हूँ, जो नया चैनल है जो मैं क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा नया चैनल है, अभी इस चैनल को मैं क्रोम में ओपन करने वाला हूँ। तो मैं कैसे करूँगा ये आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं क्रोम ओपन करूँगा, ऐसे मैंने क्रोम ओपन करा। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है वाईटी स्टूडियो। जैसे मैंने सर्च करा तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे डायरेक्ट क्रोम में वाईटी स्टूडियो ओपन कर के देगा। जो मेन सेटिंग होती है वो यहाँ से ही होती है। तो आप देख ही सकते हो कि मेरा वाईटी स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो आपका क्यों नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं पता, पर आपका ज़रूर होगा। मैं आपको एक और टिप देता हूँ कि आप वहाँ पर कर पाओगे। और दोस्तों मैं आपको और एक टिप बताता हूँ जिससे आपका 100% श्योर कि आपका वाईटी स्टूडियो प्रो में ज़रूर ओपन होगा। आप देखना, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा ऐप है, जो वाईटी स्टूडियो ऐप है, उसको डिलीट कर दो। सबसे मैं वो डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद जाता हूँ प्रो में। जैसे मैंने प्रो ओपन करा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वहाँ पर सर्च करना है वाईटी स्टूडियो। जैसे मैंने सर्च करा तो आपको फिर से लॉग इन करना है, थोड़ा टाइम लेगा फिर लॉग इन होने दो। तो आपने वाईटी स्टूडियो डिलीट कर दिया है और आप क्रोम में वाईटी स्टूडियो लॉग इन कर लेते हो तो आपका 100% श्योर कि आपका वाईटी स्टूडियो ओपन होगा ही होगा। पर आप एक ऐप से सेटिंग करते हो, टाइटल लगाते हो, डिस्क्रिप्शन लगाते हो, तो आपने तो ऐप डिलीट कर दी। तब अगर उस ऐप को फिर से इंस्टॉल करें तो ये नहीं होगा, आप यही सोच रहे होंगे। तो आपको एक टिप बताता हूँ, जो आपका साइट पर 3 डॉट दिख रहा है को उस पर क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टू होम स्क्रीन, आपको उस पर क्लिक करना है। इसे आप क्लिक करोगे तो आप इधर ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। तो आपका ये क्रोम का जो ऑप्शन होता है, जो आप क्रोम में जाते हो आप सर्च करते हो कि वाईटी स्टूडियो लॉगिन में फिर से आप जाते हो, तो ऐसा नहीं होगा। अभी आपका इस टाइप का एक ऐप बन चुका है जो हम सीधा क्लिक करेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो हमारा जो यूट्यूब का लोगो आ चुका है और साइड में क्रोम का एक छोटा सा लोगो है, आप सीधा वहाँ पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली हमें वाईटी स्टूडियो क्रोम में ओपन दिखेगा। आप देख ही सकते हो, देखो मुझे डायरेक्टली वाईटी स्टूडियो में ओपन करके दिखाया है। अभी हम क्या करते हैं कि फिर से वाईटी स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। इसे वो ऐप को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा फिर से वो ऐप चलता है कि नहीं। तो जैसे मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हो गाइस कि मेरा ओपन हो चुका है। आपका ये जरूर होगा दोस्तों, अभी तक हमारा वाईटी स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एक नया क्रिएटर होता है वो ज़रूर गलती करता है। जो हमने वाईटी स्टूडियो प्रो में ओपन कर लिया है तो नीचे आपको एक आइकन दिखाई देगा सेटिंग का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक करा तो आपके सामने से चैनल अपलोड डिफॉल्ट ये सब कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको सबसे पहले चैनल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप चैनल के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर आपको इंडिया और जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड मतलब क्या कि जो लोग कुछ सर्च कर रहे होंगे, जैसे आप सर्च कर रहे होंगे कि यूट्यूब वीडियो डाउन कैसे हो रहे हैं, तो यूट्यूब वीडियो पर व्यूज़ कैसे लाए, तो हमने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ये जो कीवर्ड होते हैं वो कीवर्ड जो हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग ही इस पर डालना है। मतलब कोई भी बंदा कुछ भी सर्च करे तो हमारा जो वीडियो है उसके सामने जाए और उसके सामने वो दिखे। वो और ऊपर से आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कंट्री का, वो भी सेट करना है। उसके बाद आना आपको एक एडवांस सेटिंग में, तो आपको यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो कौन से लोगों तक पहुँचाना है, आपको आपको बच्चों का, आपको किड्स का चैनल है कि वो लोगों का, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप यहाँ से सबको सेटिंग कर लेते हो तो यूट्यूब के जो एआई होता है समझ आ जाएगा कि आपका चैनल कौन से कैटेगरी का है और आप क्या करना चाहते हो और आपका वीडियो कौन सा टॉपिक पर है, आप किस लोगों तक आपको पहुँचाना है, सब कुछ आपका इससे ही सेटिंग से ही होगा।
तो आप यहाँ पर सेटिंग बहुत अच्छे से करना। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी लाइक कर देना, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और आप चैनल पर नए आए हो भी सब्सक्राइब कर देना, साइड पर बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।